नारायणगढ़ के नगर खेड़ा मंदिर प्रांगण में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव चौधरी रामकिशन गुज्जर की अध्यक्षता में सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में रामकिशन गुज्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें याद आ रहा है कि जिस गांधी जी ने हमें आजादी दिलवाई थी गुलामी से, और आज ऐसा दिख रहा है कि देश दोबारा से गुलाम होने जा रहा है। भाजपा के राज में किसान मजदूर व्यापारी से हर वर्ग परेशान हो चुका है। कब उठाओगे? कल मैं पंजाब में मैं बताना चाहता हूं आपको कि राहुल गांधी जी 3 तारीख से 4 तारीख से 5 तारीख पंजाब में है, कल से उनके प्रोग्राम वहां पे, 5 के बाद हरियाणा में आ रहे हैं। हरियाणा में आएंगे यही पीपली के अंदर आपकी आवाज को उठाने के लिए, सरकार को, कोई भी सरकार को जगाने के लिए, हरियाणा के किसान को मजबूती देने के लिए। उसमें मैं चाहे बात करूं किसान की, चाहे बात करूं हिंदुस्तान की बेटी की, जो अत्याचार आज इस बीजेपी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, मेरे साथियों ने विस्तार से बताया। मैं तो खाली आपके बीच में 2-3 बातें रखूंगा कि सबसे पहले हम सब आज यहाँ पे एक प्रस्ताव पास करते हैं, निंदा प्रस्ताव, कि जो यूपी में योगी सरकार है, राष्ट्रपति महोदय तुरंत इस सरकार को बर्खास्त। 1 साल पहले राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमे थे और उन्होंने एक नारा दिया था, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो कहा करते थे चौकीदार चोर है, याद करना उस बात को। उस समय कहा करते थे चौकीदार चोर है, पर आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं चोर नहीं चौकीदार तो डाकू है, डाकू। अगर कोई किसी से मिलने जाना चाहे तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा। आज मुझे याद आ रहा है जिस गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई थी गुलामी से, आज याद आ रहा है ये देश दोबारा से गुलाम होने जा रहा है। गुलाम बना दिया हमारे अधिकारों को, खत्म कर दिया। कैसे अभी वकील साहब दीक्षा जी कह रहे थे कि जजिस सुप्रीम कोर्ट के जज आके सड़कों के ऊपर बैठ के कहते हैं कि यहाँ के इंसाफ नहीं। आप समझ सकते हैं देश के क्या हालात।